यूपी की सियासत में माननीय कितने मालामाल हैं, जनता की सेवा करने का दावा करने वाले कितने दौलत रखे हुए हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि यूपी के 10 सबसे धनी विधायक कौन हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, कितने हथियार हैं। यूपी के सबसे धनी विधायकों में नंबर एक पर हैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट से जीत हासिल की थी। मायावती ने उन्हें बसपा विधानमंडल दल का नेता भी बनाया था, लेकिन नवंबर 2021 में उन्होंने बसपा को ही झटका दे दिया। अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पेशे से कारोबारी हैं। 2017 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के आधार पर जमाली के पास कुल करीब 118 करोड़ की संपत्ति है। उनके पास एक पिस्टल है और एक राइफल है। जमाली के नाम एक टोयोटा कार भी है। दौलतमंद विधायकों की लिस्ट में नंबर दो पर हैं विनय शंकर तिवारी। गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2017 में जीत हासिल की थी। हाल ही में उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। गोरखपुर के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। 2017 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक विनय शंकर के पास करीब 68 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1987 में वकालत की पढ़ाई भी की है। तिवारी के ऊपर 2017 तक कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। इनके नाम एक एनपी बोर राइफल और एक पिस्टल है। विनय शंकर को गाड़ियों का शौक है। 2017 से पहले ही सेरवले क्रूज बाइक खरीद ली थी। इसकी कीमत करीब 15 लाख की है। तिवारी के पास 27 लाख की टोयोटा फॉर्चुनर और 21 लाख की फोर्ड एंडेवर कार भी है। 10 करोड़ 37 लाख की एग्रीकल्चर लैंड और 22 करोड़ 95 लाख की नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी तिवारी के नाम दर्ज है। दौलतमंद विधायकों की लिस्ट में तीसरा नाम है पक्षालिका सिंह का। बीजेपी की विधायक रानी पक्षालिका सिंह आगरा की बाह विधानसभा सीट से जीतकर सदन पहुंची थीं। पक्षालिका सिंह सपा सरकार में मंत्री रहे राजा अरिदमन सिंह की पत्नी हैं। पहले इनका परिवार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन 2017 में पक्षालिका सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। रानी पक्षालिका सिंह यूपी की सबसे अमीर महिला विधायक हैं। 2017 में उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसमें बताया था कि उनके पास करीब 58 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। पक्षालिका सिंह ने अपने हलफनामे में ये भी बताया था कि उनके पति और खुद के पास कुल 132 हथियार हैं। इनमें DBBL गन, पिस्टल, कार्बाइन, तलवार, चाकू, खंजर और छुरे जैसे हथियार शामिल हैं। पक्षालिका ने मद्रास के विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज से 1981 में स्नातक की डिग्री हासिल की है। हलफनामे के मुताबिक पक्षालिका के पास 63,97,000 के गहने, 22 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड, 30 करोड़ 66 लाख की नॉन एग्रीकल्चर लैंड, 75 लाख की कमर्शियल और 1 करोड़ 25 लाख की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। अमीर विधायकों की सूची में चौथे नंबर पर भाजपा के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का नाम है। नंदी इलाहाबाद दक्षिणी से चुने गए हैं। इनके पास करीब 58 करोड़ की संपत्ति है। 2017 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक नंदगोपाल गुप्ता नंदी के पास करीब 57 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। नंदी ने केवल 9वीं तक की पढ़ाई की है। 22 अलग अलग धाराओं में नंदी के खिलाफ मुकदमे हैं। इसमें लूट, डकैती जैसे मामले भी शामिल हैं। नंदी के पास 2 करोड़ 22 लाख की 9 गाड़ियां हैं। इनमें BMW, फोर्ड एंडेवर, रेक्स महिंद्रा, मारुति जिप्सी, महिंद्रा XUV जैसी कार शामिल हैं। 77 लाख के गहने भी नंदी के पास हैं। 10 सबसे अमीर विधायकों की सूची में पांचवें नंबर पर गोंडा के करनैलगंज विधानसभा सीट से चुने गए बीजेपी विधायक अजय प्रताप सिंह का नाम है। उनके पास 49 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। 2017 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक अजय प्रताप सिंह ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। 2017 चुनाव के वक्त अजय के पास 2 लाख रुपए कैश थे। 19 लाख के करीब बैंक खाते में थे। अजय के नाम 7 अलग अलग गाड़ियां हैं। इनकी कीमत करीब 41 लाख बताई जा रही है। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनी गई सुचिस्मिता मौर्य का नाम इस सूची में छठवें नंबर पर है। उनके पास करीब 47 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। 2017 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक इनके पास 74 लाख कैश और 74 लाख बैंक डिपॉजिट है। मौर्य के पास एक गाड़ी है जिसकी कीमत 22 लाख की है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहतौर विधानसभा सीट से चुने गए बीजेपी के ओम कुमार अमीर विधायकों की सूची में सातवें नंबर पर हैं। उनके पास करीब 44 करोड़ की संपत्ति है। 55 साल के ओम कुमार ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। 2017 में अपनी चल संपत्ति यानी कैश, बैंक डिपॉजिट, गाड़ी, गहने, असलहों की कीमत 19 करोड़ बताई थी। इनके पास 24 करोड़ 40 लाख की अचल संपत्ति है, मतलब जमीन और घर इसमें शामिल है। अमीर विधायकों की सूची में आठवें नंबर पर गाजीपुर जिले के सैदपुर विधानसभा सीट से चुने गए समाजवादी पार्टी के सुभाष पासी का नाम है। इनके पास करीब 41 करोड़ की संपत्ति है। हाल ही में सुभाष ने सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। 57 साल के सुभाष पासी 10वीं तक पढ़े हैं। 1975 में इन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड से हाईस्कूल की पढ़ाई की थी। 2017 के चुनाव के दौरान सुभाष के पास 3 लाख कैश, 7 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट के तौर पर थे। सुभाष के पास 64 लाख रुपए के गहने और 9 गाड़ियां हैं, इनमें 2 ट्रक भी हैं। विधायक सुभाष पासी को सोने की घड़ियों का शौक है। इनके पास 2 सोने की घड़ियां हैं। अमीर विधायकों की सूची में 9वें नंबर पर बलिया जिले के रसला विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुने गए उमाशंकर सिंह का नाम शामिल है। इनके पास 40 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति है। 51 साल के उमाशंकर सिंह ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। 2017 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक उमाशंकर के पास 3,84,000 रुपए कैश और 68 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट हैं। उमाशंकर के पास 35 से ज़्यादा बड़े ट्रक हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियो, इनोवा, इंडेवर, फॉर्च्यूनर जैसी 5 बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी इनके पास हैं। इनके पास 41 लाख से ज्यादा के गहने और 42 लाख रुपए के असलहे हैं। यूपी के 10 सबसे अमीर विधायकों की सूची में आखिरी नंबर पर बागपत जिले के छपरौली विधानसभा सीट से चुने गए सहेंद्र सिंह का नाम शामिल है। 2017 में सहेंद्र ने आरएलडी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। सहेंद्र के नाम 38 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। 57 साल के सहेंद्र ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। इनके नाम 38 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है। 2017 चुनाव के दौरान इनके पास 79,000 कैश, 23 लाख रुपए से ज्यादा बैंक डिपॉजिट थे। सहेंद्र के पास 41 लाख रुपए के गहने हैं। सहेंद्र के पास 3 करोड़ 53 लाख रुपए की एग्रीकल्चर लैंड और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।